नमस्कार पिला इन्फो ओडिशा अफिस चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। मुझे कही रखी आप वन थाउजेंड क्राश कोर्स समस्त क्वेश्चन गुड़ाक कही देवी ये रही है पार्ट फोर ऑपिटिशियल जेएमटी इलेक्ट्रिकल जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनी पार्ट फोर थाउजेंड क्राश कोर्स ऑपिटिशियल क्वेश्चन। तो या पूर्व तीन टाइम ऑलरेडी जोटा कि कोर्स ऑलरेडी क्लास कोर्स रो वीडियो अपलोडेड हो जाए सहित से पीडीएफ अवेलेबल हो जाए आपको पीडीएफ दरकार है जातु टेलीग्राम जॉइन कर दिंतु से पीडीएफ मिल जाए किसी असुविधा हेनी पे आज जो पे नुआ चैनल चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिखाते मुझे कही दी आपको फुल प्रिपेयर करके छाड़ी जोटा कि जेएमटी ऑलरेडी क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। तो वीडियो समस्त को देखु वीडियो को शेयर करूँ लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलं सहित वीकली आपंकर करेंट अफेयर सहित आपंकर जो डेली सिलेबस वाइज आप डिस्कशन नौटा बेले प्रीमियर हो देखते ठीक अच्छे से ही इंपोर्टेंट रही है ता सहित थाउजेंड क्लास कोर्स सहित आप जिते क्वेश्चन को प्राक्टिस करेंगे पे आपर से अधिका आपको कौन बेसिक नॉलेज सहित आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो क्राइटेरिया गुड़ाक आप इनवॉल्व करेंगे ठीक अच्छे पे। तो आज के सेशन आरंभ करेंगे जल्दी जल्दी कौन अच्छे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखा। तो मुझे कही रखी आपंकर फास्ट आप इंग्लीश रोते नेक्स्ट आप रिजनिंग जोटा कि आप मेंटल एबिलिटी ता सहित करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस ओडिशा उपर हो आउ कौन से प्रकार सब्जेक्ट उपर हो डिस्कशन आम ये कर दस दस टा क्वेश्चन ता सहित आम टेक्निकल क्वेश्चन करवा ठीक अच्छे पे बढ़िया आगे क्वेश्चन कौन अच्छे फास्ट देख ला। द फास्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनमी ऑफ द गिवन वर्ड कॉनकर कॉनकर रो आप एंटोनमी वर्ड एंटोनमी मीन्स कौन आपर अपोजिट वर्ड। तो एंटोनमी कॉनकर रो कौन हो ए डिसएग्री बी डिसअपीयर सी डिसअरेंज या फिर डी डिस्करेज। तो आप उत्तर ए हो जोटा कि डिसएग्री हो एंटोनमी जोटा कि आपंकर कॉनकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम हैव फिंगर इन द पाय हैव फिंगर इन द पाय आप प्रॉपर जो एप्रोप्रिएट आइडियम मीनिंग कौन हो ए इन ए पेनफुल कंडीशन बी टू बी इनवॉल्व इन समथिंग सी कीप समथिंग सीक्रेट या फिर डी गेट इनटू ट्रबल। तो आप उत्तर बी हो टू बी इनवॉल्व इन समथिंग जोटा कि हैव फिंगर इन द पाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको ए वर्ड भितर ए वर्ड समस्त भितर कौटा जोटा कि इनकरेक्टली स्पेल्ड हो देखी दिखाँ ए इंडल्ज हो परसिस्ट हे या फिर सी वेनगैंस हे या फिर डी टेम्परेट हो उत्तर कौन हो सी होटा कि वेनगैंस आपंकर जोटा कि इनकरेक्टली स्पेल्ड हो ठीक अच्छे पे परवर्ती क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्पर्फिक परफिक्र आपर सिनोनिमिक वर्ड मानने तार समान अर्थबोधक शब्द कौटा हो सिनोनिमिक ए सुथिंग बी टेरिफिक सी सुप्रीम डी स्लिप इंड्यूसिंग। तो आप उत्तर जो डी हो जोटा कि स्लिप इंड्यूसिंग स्पर्फिक ठीक अच्छे परवर्ती क्वेश्चन देखा ये आसीज आपर गोटे स्टेटमेंट क्वेश्चन जोटा कि गिवेन बिलो आर फोर जम्बल्ड स्टेटमेंट सेन्टेन्स सीन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। तो आप जम्बल्ड करके रखाई सेन्टेन्स गुड़ाक तो या कौन करेंगे ना आप करेक्ट ऑर्डर में सजेबे। तो इन ए मोमेंट द सोल पटर इमर्ज फ्रॉम हिज मिड डे नैप ऑपरेटेड ए सिग्नल दैट क्लांग्ड नॉइजली इनटू पोजिशन व्हिसल्ड आई रिमार्क दैट हिज रेड एमिएबल फेस एंड इजी गोइंग गेट ओयर इन परफेक्ट हारमोनी विथ द ट्रैंक्विल सराउंडिंग। थर्ड आसला व्हाइल आई स्टूड ड्रिंकिंग द इन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लासिड सीन आई बिकम कॉन्शियस ऑफ एन अल्टरेशन। चार नंबर आसला एंड देन एम्बेल्ड स्लोली टुवर्ड्स मी फ्रॉम माय रिटर्न हाफ टिकेट। तो ये अनुसार आप उत्तर कौन हो कौ सिक्वेन्स रोज एक दुई तीन चार को मुझे ए बी सी डी फॉर्म लिखे ठीक अच्छे ए मीन ए टू मीन बी एंड थ्री मीन सी ए फोर मीन डी ए भाई सिक्वेन्स रही है। तेणु आप अनुसार एनसर टा आप कौन हो आपसर जो हो जोटा कि सी ए डी बी हो ठीक अच्छे पे आप सी ए डी बी हो तो फास्ट आस नंबर तापर आस नंबर तापर आस दैट मीन चार नंबर एवं दुई नंबर ठीक अच्छे पे सिक्वेन्स जम्बल्ड सेन्टेन्स गुड़ाक जोटा कि सिक्वेन्स रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
ये रही आपड़े पाराग्राफ क्वेश्चन तो अभी जो जितब एग्जाम होती सब यही पाराग्राफ आसूसी तो से पाराग्राफ क्वेश्चन लेकिन आसी तो यहाँ सल्व करूँ तो आप फर्स्ट कौन दे आप जो ब्लांक सेन्टेन्स सब अप्सन दिया अप्सन भर कौटा आप पुट करेंगे सहीटा देखिए तो ए टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स डैश ऑन दैट डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ द हैंड में तो आप कौन हम फर्स्ट ऑप्शन ले ए हैज बीन बी आर सी हैव फिर डी हैज तो आप उत्तर सी हो जोटा कि हैव हो टीम ऑफ इंडियन इंजीनियर्स हैव शोन दैट डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ द हैंड तो नेक्स्ट कौन अच्छी देखा नेक्स्ट ऑप्शन ले कौन आसो नेक्स्ट ब्लैंक रे कौन आसो द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक नंबर टू टू रे कौन आसो डैश कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स तो कौन है जो कंसील कोलेस्ट्रॉल हम वा कंजियर कोलेस्ट्रॉल हम या रिवील कोलेस्ट्रॉल या फिर कंडक्ट कोलेस्ट्रॉल हम तो आप उत्तर कौन हो सी हे जोटा कि रिवील कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी एंड सर्व एज एन वार्निंग सिग्नल नेक्स्ट ऑप्शन ब्लैंक रे कौन आसो देखा नेक्स्ट ब्लैंक रे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ब्लैंक नंबर थ्री यही थ्री ऑप्शन कौन आसो ए ऑफ बी बिफोर सी एट या फिर डी बाय आप उत्तर ए हो जोटा कि ऑफ सिग्नल ऑफ हो पुअर लिपिड हेल्थ विदाउट ए स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन कौन आसो देखा चार नंबर ऑप्शन रिसर्चर्स बिलीव द प्रोग्राम मे बी डैश इन द फ्यूचर ए रिजल्ट बी रिफाइंड सी रिट्रैक्टेड डी रिकॉर्डेड तो आप उत्तर कौन हो सी जोटा कि रिट्रैक्टेड होटा कि आप रिसर्चर्स बिलीव द प्रोग्राम मे बी रिट्रैक्टेड इन द फ्यूचर ठीक अच्छे एंड डैश इन टू द मोबाइल फोन टू एनेबल इट इट्स एनालाइज डिजिटल इमेज तो ये लास्ट ऑप्शन ले आप कौन हम आंसर देखिए ए फॉर्मुलेटेड बी फीचर्ड सी लोडेड डी फिक्स्ड तो आप उत्तर सी हो जोटा कि लोडेड इन टू मोबाइल फोन टू एनेबल इट टू एनालाइज डिजिटल इमेजेस ऑफ द हैंड कैप्चर्ड इन द कैमरा ऑन ए मोबाइल फोन ये आप टोटल पैसेज उपर जो ब्लैंक गुड़ाक आंसर ठीक अच्छे पे मैंने विविडली देखी परवर्त क्वेश्चन को जी कौन अच्छी देखा ये आप इंग्लीश क्वेश्चन नेक्स्ट कौन अच्छी देखा नेक्स्ट आसला हू हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट नॉन गांधी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी पार्टी इन 24 इयर्स तो आप क्या जो कि नॉन गांधी प्रेसिडेंट हो गले कांग्रेस रो 24 वर्ष मान भर एत पर्यटन कहीं होते 24 वर्ष पर मल्लिकार्जुन खारगे बी शशि थरूर सी पी चिदंबरम डी अशोक गहलोत तो आप उत्तर मल्लिकार्जुन खारगे ए हो उत्तर परवर्त क्वेश्चन देखा एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ टीवी चैनल्स व्हाट इज द मैंडेटरी ब्रॉडकास्ट टाइम ऑफ द कंटेंट ऑन इश्यू ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस नेशनल भारतीय अग्रकर्ष जातीय गुरुत्वपूर्ण जोटा कि इंपोर्टेंस आप नेशनल गाइडलाइंस जारी कराई टीवी चैनल मैंने केते समय पर्यटन जो से जिनस को ब्रॉडकास्ट करवा मैंडेटरी कंपलसरी हो जाए ए 5 मिनट्स पर डे बी 10 मिनट्स पर डे सी 30 मिनट्स पर डे या फिर डी 45 मिनट्स पर डे तो आप उत्तर बी हो जोटा कि 10 मिनट आप गोटे दिन भितर 10 मिनट निश्चित भाव में जोटा कि नेचुरल इंपोर्टेंस आप नेचुरल सचेतनता हो जाए कौन सी प्रकार जोटा कि भारतीय जो गाइडलाइन उपर भारत सरकार को अधीन जोटा को आप एडवर्टाइजमेंट को प्ले करने को पड़ो ठीक अच्छे ये मैंडेटरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इंपोर्टेंट रहा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जोटा कि सीबीआई आम कही था इज सेट अप अंडर व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री तो यहाँ कौन मिनिस्ट्री अंडर या सेटअप होता है ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स तो आप उत्तर कौन हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जोटा कि बी हो उत्तर परवर्त क्वेश्चन देखा कौन अच्छी परवर्त क्वेश्चन ये कही एरेंज करवाक एरेंज द वर्ड्स गिवेन बिलो इन ए मीनिंगफुल सिक्वेन्स तो आप गोटे अर्थपूर्ण सिक्वेन्स कौन करे सजेवा को तो कौन हम यार एरेंज वार्ड हम कौन सिक्वेन्स ए कि टू डोर थ्री फ्लोर 4 रूम एंड 5 स्विचर तो आप उत्तर कौन हम एनसर कौन ऑप्शन टा हो ए बी सी डी देखी दिखाँ कौन ऑप्शन उत्तर हम आप कहतु कमेंट्रे यार आंसर टा कौन हम ठीक अच्छे पे यार आंसर कहबी नहीं ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए कौन अच्छे स्टेटमेंट सम एक्टर्स आर सिंगर्स ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स कंक्लूजन कौन आसो ये स्टेटमेंट आसला कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स एंड ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स कंक्लूजन आसला सम एक्टर्स आर डांसर नो सिंगर्स
इज एक्टर। तो आपका कंक्लूजन कौन हो ए ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस, बी ओनली टू कंक्लूजन फॉलोस, सी आइदर वन और टू फॉलोस, या फिर डी नाइदर वन और नॉट टू फॉलोस। तो आप उत्तर कौन हो उत्तर आपंकर ए हो जोटा कि ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस जैक सम एक्टर्स आर डांसर। ठीक अच्छे ये कहला सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो सम एक्टर्स ये मुझे देखते सम एक्टर्स आर सिंगर्स। तो ये जोटा कि एक्टर भी अच्छा सिंगर भी अच्छा, तापर कहला ऑल द सिंगर्स ये जो टोटल सिंगर्स आर डांसर। तो ये जितक सिंगर्स अच्छा समस्त हो कौन डांसर भी होगले, यदि समस्त सिंगर गुड़ा कह डांसर हो जाए आम सिंगर को भरीदे। ठीक अच्छे समस्त सिंगर डांसर हो गले आम रखे तो कनक्लूज है सम एक्टर्स आर डांसर। सम एक्टर्स आर डांसर हो कि ये हो सम एक्टर्स आर ये जो सम एक्टर्स ये भी सम एक्टर रोज जोटा कि डांसर रही है बट नो सिंगर इज एक्टर यहाँ भूल हो तेनालीर एटा ही केवल फर्स्ट पॉइंट हम कनक्लूजन फलो कर देखेदेव ये आप देखे जापर। ठीक अच्छे यार उत्तर आप देखिक जापर। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी पिकअप इंडिया बियर से भाग पिकअप आम भारत जितिय पक्षी बियर सेम कहार जितिय पशु ए ऑस्ट्रेलिया बी अमेरिका सी रशिया एफ डी इंग्लैंड। तो आप उत्तर कौन हो पाने रशिया उत्तर सी। परवर्त क्वेश्चन देखा वन मॉर्निंग उदय उदय एंड विशाल टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस एट क्रॉसिंग ई विशाल शैडो वाज एक्जैक्टली लेफ्ट ऑफ उदय व्हिच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग ए ईस्ट बी वेस्ट सी नॉर्थ एफ डी साउथ। तो आप उत्तर कौन हम ये साउथ सी हो जोटा कि नॉर्थ हो उत्तर। तो यहाँ आप कंक्लूजन कर देखिपर आप जोटा कि डायरेक्शन यहाँ गोटे क्वेश्चन रही है फेस टू फेस कहते क्रॉसिंग मैंने शैडो गुड़ा सैडा कौ पट को पड़ो। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए कौन क्वेश्चन अच्छी द टोटल ऑफ द एज ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी इज 80 इयर्स। यदि तीन जन जो टोटल एज 80 वर्ष होगा अमर अकबर एंथनी व्हाट इज द टोटल एज ऑफ देयर एज ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स है। तो तीन वर्ष पूर्व एज के तो के तीन तीन नौ तीन जन तीन टा सारा जो बयस तीन तीन वर्ष कम तो तीन वर्ष पूर्व कम थी तो के 71 माइनस 80 माइनस 9 जोटा कि 71 इयर्स। आपंकर उत्तर परवर्त क्वेश्चन देखा ए बी सी डी ई प्लेज ए गेम ऑफ कार्ड्स ए सेज टू बी इफ यू गिव मी 3 कार्ड्स यू विल हैव एज मेनी एज ई हैज एंड इफ आई गिव यू 3 कार्ड यू विल हैव एज मेनी एज डी हैज एंड ए एंड बी टुगेदर हैव 10 कार्ड मोर देन व्हाट डी एंड ई टुगेदर हैव if b has 2 cards more than what c and the total number of the card is 2133 how many cards does have b have। so pila mane mu kahi rakuchi ei bhaliya long long question apan ko reasoning re astai je mu padhi ki bujhe ki korla alaku kon hoita na 4 ru 5 minute chali jaita setre jodi bhul hei jibo tale already negative marking soito ta seito jo 1 mark thila seita modhe koti jibo tenu aku tike vividly mane apan padhibe ता सहित माइंडफुल पढ़ी की फटाफट जैसे क्विक हो पार से करेंगे। तो यार जो आंसर हम कौन देखिए ए 22 बी 23 सी 25 एफ डी 35। तो आपको उत्तर जो हो सी होटा कि 25 हो बाकी कैलकुलेशन नेक्स्ट देखी दिखाँ कमी कैलकुलेशन मुझे या देखी दिखाँ। ठीक अच्छे पिला मैंने ये देखते 25 आप आंसर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी तो व्वेयर इज द एंडेंजर्ड हॉर्स शो क्रैब फाउंड इन ओडिशा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोज आपंक जो एंडेजेंट हॉर्स शो कर घोड़ा भाया तार गोड़ थाए जो कंकड़ा मानक कौटी मिले ए भितरकनिका सेंचुरी बी देवरीगढ़ सेंचुरी सी विचित्रपुर सेंचुरी या फिर डी कोबार्क सेंचुरी। तो आपको उत्तर कौन हो ए जोटा कि भितरकनिका सेंचुरी आप हॉर्स शो क्रैब फाउंड होता है। ठीक अच्छे पे ये रहीगला आपंकर रिजनिंग और मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन ता सहित करंट अफेयर और ओडिशार जोटा कि जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। तो आम ए टेक्निकल ऊपर को जीवा टेक्निकल क्वेश्चन कौन अच्छे डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे पे स्पीड अप करवा ओनली क्वेश्चन विद आंसर डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे आगे बढ़िया टू हैव ए फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग दिस टाइप रेक्टिफायर वी रिक्वायर ए 1 डायोड बी 2 डायोड सी 3 डायोड डी 4 डायोड। तो आप उत्तर डी हो 4 डायोड। क्वेश्चन देखा द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ए लाइज इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर बी इज ए प्योर इंसुलेटर सी इज हैविंग हाई वैल्यू रेजिस्टेंस डी इज ए परफेक्ट कंडक्टर। तो आपको उत्तर ए हो लाइज इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। क्वेश्चन ए लाइट एमिटिंग डायोड प्रोड्यूस
लाइट फ्यूल ए फॉरवर्ड बियास बी अनबियास सी रिवर्स बियास या फिर डी नॉन ऑफ द अबव तो आपका उत्तर ए है जो फॉरवर्ड बियास है जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस ए मॉस्फेट या फिर बी बीजेटी सी आईजीबीटी या फिर डी जेएफईटी तो आपको उत्तर बी है जो जोटा कि बीजेटी है जो नेक्स्ट क्वेश्चन When a PN junction is forward bias, A. Depletion region decrease, B. Minority carriers are not attracted, या फिर C. Holes and electrons move away from junction, या फिर D. All of the above, आपको उत्तर A है जो depletion region decreases, तो आपको PN junction टा forward bias देता है. Next question देखिएगा. Transistor works as an amplifier in A. Active region, B. Depletion region, C. Saturation region, या फिर D. Cutoff region, तो आपको उत्तर Active region है जो. Correct question. Which of the following is the simplest and cheapest filter circuit in electronics? So, आपने कौन-कौन बोल रहे हो? कौन-कौन शब्द कम दाम एवं जो लोग कि simple electronic circuit A series inductor filter, B choke input LC filter, D capacitor input filter या फिर D RC filter. तो आपने को उत्तर है जो C जो लोग कि capacitor input filter. Next question. Which of the following is not a physical component of electronic circuit? A capacitor, B inductor, C diode, D टेम्परेचर तो आपका उत्तर डी है जो जोटा कि टेम्परेचर है जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ए थर्मल एक्साइटेशन बी इंपैक्ट आयनाइजेशन सी फोटो एक्साइटेशन डी इंप्योरिटी इंजेक्शन तो आपका उत्तर डी है जो जोटा कि इंप्योरिटी इंजेक्शन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हॉल इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट A. Hall voltage is very weak in metal as compared to semiconductor. B. Hall voltage is directly proportional to the charge density. C. Hall voltage is inversely proportional to the intensity of the magnetic field. D. Intrinsic semiconductor has a positive temperature coefficient of Hall constant. So, answer A hai jo jo ki Hall voltage is very weak in metals as compared to semiconductor. Question dekhiwa. What type of semiconductor is used in LED electronic circuit? A. Intrinsic semiconductor. B. Compound semiconductor. C. Degenerated semiconductor. या फिर D. Compensated semiconductor. तो आपका उत्तर B है जो जोटा कि compound semiconductor. Next question देखिएगा. Which type of semiconductor is used in tunnel diode? A. Compound semiconductor. B. Envelopment semiconductor. C. Degenerated semiconductor. या फिर D. Extrinsic semiconductor. तो आपका उत्तर कौन है जीवो? अपना उत्तर है जो सी जोटा की डीजेनेटेड सेमीकंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मास एक्शन लॉ इज नॉट वैलिड फॉर व्हिच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ए कंपाउंड बी एलिमेंटल सी डीजेनेटिव डी कंपनसेटेड तो आपका उत्तर सी है जो डीजेनेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ए दे हैव थ्री मोड ऑफ ऑपरेशन बी दे हैव अ डायनामिक रेजिस्टेंस एट लो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज सी They have diffusion capacitance at high frequency AC voltage and they can act as an on-off switches. तो आपको उत्तर है जो कौन A है जो they have three mode of operation. ठीक है पिला मैंने तो ये मुझे कोई रखी पिला मैंने वीडियो को जो मैंने लाइक कमेंट शेयर करना थी जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर कर दें तू या पीडीएफ पाई अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें तो सेठी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो ता सहित आपको जब डिस्क्रिप्शन सहित अपना बुझी की पिला मैंने क्वेश्चन को आप दरकार होती आप क्वेश्चन सर स्पीडअप कर दूसरी खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ुंत जब आप बुझा तेल आपने डेली क्लासेस को देखते सेठी आप समस्त क्वेश्चन को बुझीपर ठीक अच्छे पिला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जिनर डायोड ए इट इज हाई लाइटली ड्रॉप बी इट इज मोस्टली यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सी इट इज यूज इन फॉरवर्ड बियास या फिर डी इट हैज एवलेंस ब्रेकडाउन तो आपको उत्तर कौन हो बी है जो जोटा कि इट इज मोस्टली यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नेक्स्ट क्वेश्चन द लीकेज करंट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज ड्यू टू ए माइनॉरिटी कैरियर्स बी मेजॉरिटी कैरियर्स सी जंक्शन कैपेसिटेंस डी नॉन ऑफ द अबव तो आपको उत्तर कौन हो बी है जोटा कि मेजॉरिटी कैरियर्स है नेक्स्ट क्वेश्चन द डेविएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज नॉन एज ए टॉलरेंस बी कैपेसिटेंस डी सी इंडक्टेंस या फिर डी नॉन ऑफ द अबव आपको उत्तर ए है जो जोटा कि टॉलरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रेक्टिफायर इज अ डिवाइस यूज टू ए कन्वर्ट टू डीसी टू एसी या फिर कन्वर्ट एसी टू डीसी या फिर सी बोथ या फिर डी नॉन ऑफ द अबव तो आपको उत्तर बी है जो जोटा कि कन्वर्ट एसी टू डीसी जोटा कि रेक्टिफायर काम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंडक्टर
बी रेजिस्टर, सी कैपेसिटर या फिर डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको उत्तर कौन हो सी हो कैपेसिटर हो। ठीक है पहला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो आपको उत्तर ए हो जो कि इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डायमंड इज ए इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैरियर वोल्टेज एट ए पी एन जंक्शन फॉर जर्मानियम इज अबाउट 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 0 या फिर 0.3 वोल्ट। तो आपको उत्तर डी है जो कि 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर इज अचीव्ड थ्रू ए कंडक्शन एंड डिफ्यूजन, बी कंडक्शन, सी डिफ्यूजन या फिर डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपको उत्तर कौन हो ए हो जो कि कंडक्शन एंड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन बिटवीन ए सैंपल ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल कॉजेस ए डिसेक्शन, ए रेक्टिफाइंग, बी कंडक्टिंग, सी इंसुलेटिंग, डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपको उत्तर ए हो जो कि रेक्टिफाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग, ए प्रकार वायरिंग को आपको कौन प्रकार वायरिंग कहते, ए सीटीएस टीआरएस वायरिंग, बी क्लिट वायरिंग, सी पीवीसी कैचिंग एंड कैपिंग वायरिंग या फिर डी पीवीसी कंडक्ट वायरिंग। तो आपको उत्तर कौन हो उत्तर आपको बी हो जो कि क्लिट वायरिंग कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डायग्राम रिप्रेजेंट द फिजिकल पोजिशन एंड ऑफ एक्सेसरीज इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन, ए वायरिंग डायग्राम, बी सिमेंटिक डायग्राम, सी इंस्टॉलेशन प्लान, डी लेआउट डायग्राम। तो आपको उत्तर सी है जो कि इंस्टॉलेशन प्लान आपर एक्सेसरीज रोटा कि प्रेजेंटेशन फिजिकल पोजिशन ही जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वायरिंग कैन बी डन आइदर ऑन सरफेस और ऑन कंसील्ड इन द वॉल, ए क्लिट वायरिंग, बी बैटन वायरिंग, सी पीवीसी कंडक्ट वायरिंग या फिर डी पीवीसी कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। तो आपको उत्तर कौन हो सी हो कि पीवीसी कंडक्ट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एब्रीविएशन ऑफ टीआरएस, टीआरएस फुल फॉर्म कौन पचार देला, ए टोटल रबर सीथेड या फिर बी थ्रो टफ रबर सीथेड या फिर सी टायर राउंड सीथेड या फिर डी टोटल रफ सीथेड। तो आपको उत्तर हो बी जो कि टफ रबर सीथेड टीआरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, हाउ मेनी आउटलेट पॉइंट्स आर रिकमेंडेड इन पावर सब सर्किट एज पर बीएस, तो एज पर बीआईएस अनुसार कते प्रकार आउटलेट पॉइंट्स है जो पावर सब सर्किट ए गोटे, बी दुईटा या फिर सी तीन टाइम या फिर डी चारा। तो आप उत्तर कौन हो बी हो दुईटा पॉइंट थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर रिकमेंडेड टू द लाइट एंड फैन सब सर्किट एज पर आई रूल्स, ए 3000 वाट, बी 1500 वाट, सी 800 वाट, डी 750 वाट। तो आपको उत्तर कौन हो उत्तर हो सी जो 800 वाट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम हाइट ऑफ सॉकेट आउटलेट शैल बी प्रोवाइडेड इन द बाथरूम, ए 130 सेंटीमीटर या फिर बी 140 सेंटीमीटर या फिर सी 150 सेंटीमीटर या फिर डी 200 सेंटीमीटर। आपको उत्तर 130 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय द बीएस सिंबल, एटा कौन सिंबल को रिप्रेजेंट कर फ्यूज, बी लिंक, सी रजिस्टर, डी प्लग एंड सॉकेट ही जॉकेट, ओके प्लग एंड जॉकेट। तो आपको उत्तर कौन हो फ्यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म दैट द टाइम टेकन बाय ए फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट, ए फ्यूजिंग करंट, बी फ्यूजिंग फैक्टर, सी कट ऑफ फैक्टर या फिर डी करंट रेटिंग। तो आपको उत्तर कौन हो सी हो जो कट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज यूज टू क्वेंच द आर्क क्विकली विदाउट एनी फायर हैजर्ड, ए ड्राई सैंड, बी लाइम पाउडर, सी ग्राफाइट या फिर डी सिलिका। तो आपको उत्तर कौन हो डी हो सिलिका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द टू फुट कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्यूज कैटरेज हैव डिफरेंट डायमीटर फॉर ईच रेटेड करंट, ए टू इंक्रीज द करंट रेटिंग, बी टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एरिया, सी टू रिड्यूस द रेटिंग इफेक्ट, डी टू प्रिवेंट द इंसर्शन ऑफ रॉन्ग करंट रेटेड कैटरेजेस। तो आप उत्तर कौन हो डी हो टू प्रिवेंट द इंसर्शन ऑफ रॉन्ग करंट रेटेड कैटरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच इज द मैक्सिमम मिनिमम थिकनेस ऑफ टिक वुड बैटन यूज फॉर वायरिंग, ए नॉट लेस देन 5 mm, बी नॉट लेस देन 8 mm, सी नॉट लेस देन 10 mm या फिर डी नॉट लेस देन 12 mm। तो आप उत्तर कौन हो 35 रो उत्तर डी हो जो नॉट लेस देन 12 mm हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टिक वुड जॉइंट, इन टिक वुड जॉइंट रो नाम कौन, ए क्रॉस जॉइंट, बी कॉर्नर जॉइंट, सी क्रॉस ब्रिज जॉइंट या फिर डी एल जॉइंट। तो आपको उत्तर कौन हो सी हो क्रॉस ब्रिज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पीवीसी कंडक्टिंग कंडक्ट एक्सेसरी, ए सॉलिड एल्बो, बी सॉलिड टी, सी सॉलिड बैंड या फिर डी कपलर। तो आपको उत्तर हो कौन बी हो जो कि सॉलिड टी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ वायरिंग रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ बैंड्स कैन बी टेकन थ्रू शॉर्ट कट रूट इन द रूफ, ए बैटन वायरिंग, सी कैसिंग कैपिंग वायरिंग, सी सरफेस कंडक्ट वायरिंग या फिर डी कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। तो आपको उत्तर हो डी जो कि कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ टू अटैच द कैपिंग कवर विथ कैसिंग चैनल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वायरिंग इन पीवीसी कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम ए बाय वुड स्क्रू बी बाय वायर नेल सी बाय फिक्सिंग क्लैंप या फिर डी बाय स्लाइडिंग द कैपिंग थ्रू द ग्रूव्स उत्तर कौन डी जोडिंग दैपिंग थ्रो द ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पायलट होल फॉर फिक्सिंग वुड स्क्रू इन सॉफ्ट वुड ए इक्वल टू 1 फॉर स्क्रू लेंथ या फिर बी इक्वल टू हाफ स्क्रू लेंथ या फिर सी इक्वल टू 3 फॉर स्क्रू लेंथ या फिर डी इक्वल टू स्क्रू लेंथ आपको उत्तर कौन हम बी हम जो हाफ ऑफ द स्क्रू लेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द करेक्ट साइज ऑफ ड्रिल फॉर मेकिंग पायलट होल फॉर 6 mm डायमीटर स्क्रू सेंट ए 2 mm बी 4 mm सी 6 mm या फिर डी 8 mm तो आपको उत्तर हो जीवो बी 4 mm नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पोज ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स इन डोमेस्टिक वायरिंग ए कंसील्ड वायरिंग बी परमानेंट कनेक्शन सी रन केबल थ्रो होल्स इन सीलिंग या फिर डी कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेस तो आपको उत्तर हो जीवो डी जोटा की कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेस नेक्स्ट क्वेश्चन What is the minimum size of copper arc continuity conductor used in single phase domestic wiring as per BIS? A 3 square mm, या फिर B 3.5 square mm, या फिर C 2.5 square mm, या फिर D जोड़ा की 1.5 square mm तो आपको उत्तर कौन है जीवो D है जो जोड़ा की 1.5 square mm. Next question. What is the maximum permissible load for a power sub circuit as per IE rules? A 800 watt, B 1500 watt. सी 2000 वाट या फिर डी 3000 वाट तो ये है जो अपने 3000 वाट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन ए पोलैरिटी टेस्ट बी कंटिन्यूटी और ओपन सर्किट टेस्ट या फिर सी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स एंड अर्थ आपको उत्तर है जो ए जोटा की पोलैरिटी टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन द डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन ए 1/5 इनटू फुल लोड करंट B 150 into full load current या फिर C 1/500 into full load current या फिर 1/5000 into full load current तो आपको उत्तर कौन है जीवो उत्तर है जीवो D जोड़ा कि 1/5000 into full load current क्वेश्चन देखिवा which instrument is used to test new domestic wiring insulation A multimeter B Meager C sun time ohmmeter या फिर D series type ohmmeter आपको उत्तर B Meager है जीवो क्वेश्चन What is the reason of lamp glowing dim and motor running slow in a domestic wiring circuit? A. Open circuit in the neutral line. B. Short circuit between conductor. C. High value series resistance fault. या फिर D. Open circuit in the arc conductor. तो आपको उत्तर कौन है जीवो C है जीवो क्योंकि high value series resistance fault. Next question. How to control harmonic distortion in neutral connection as per IE rules? A. Earthing. Through impedance, B providing by plate earthing, C increasing conductor size, या फिर D providing parallel earthing. तो आपको उत्तर कौन है जीवो A है जो जैसे कि earthing through impedance. Next question. Which one of the following material is used to fix the screw on concrete wall and ceiling? A linklage, B bushings, C saddles, D rowel plug. तो आपको उत्तर कौन है जीवो D है जो rowel plug है जीवो. Next question. Which type of wiring is suitable for multi-story building? A tree system, B ringman system, या फिर C distribution board system, या फिर D ringman and distribution board system. उत्तर आपने कर A है जो कि tree system. Next question. Where is field winding mounted in a DC machine? A starter, B rotor, C absent, या फिर D anywhere on starter or rotor. तो आपने उत्तर A है जो कि starter है जो. Next question. What are the materials used for brushes in DC machine? A iron, B carbon, C aluminium, D स्टील उत्तर आपण करो बी है जो कार्बन नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल इलेक्ट्रिकल मेड बाय ब्रशेस विद एक्सिस ऑफ एडजॉइनिंग फील्ड पोल इज डैश ए 450 बी 1800 सी 900 या फिर डी 300 तो आपको उत्तर सी है जो जोड़ा कि 900 नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए डीसी मशीन रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू गेट यूनिडायरेक्शनल आउटपुट डीसी दिस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डैश ए हाफ वेव रेक्टिफायर B full wave rectifier, C mechanical rectification, D center tap rectifier. तो आपको उत्तर कौन है जीवो C है जीवो जो कि mechanical rectification. Next question देखिवा. Which of the following part is used in construction of DC machine but not in AC machine? A armature winding, B field winding, C commutator या फिर D shaft. तो आपको उत्तर C है जीवो जो कि commutator. Next question. In normal DC machine operating at full load condition, the most powerful electromagnet is dash A field winding.
बी इंटरपोल वाइंडिंग, सी इंटरपोल एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग टुगेदर, या फिर डी आर्मेचर वाइंडिंग। उत्तर ए हो फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द डीसी मोटर्स प्रिफर्ड फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन, ए टॉर्क एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, बी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, सी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर करंट, डी द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क एंड द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। तो उत्तर आपंकर कौन हो उत्तर डी ही हम, जोटा कि द स्पीड ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क एंड द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड एप्लीकेशन नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन द रेटेड टॉर्क, ए ब्लोअर, बी कन्वेयर, सी एयर कंप्रेसर, या फिर डी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो आपको उत्तर बी है जो कि कन्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टॉर्क इन ए डीसी मशीन इज लिमिटेड बाय डैश ए कम्यूटेशन, बी हीटिंग, सी लॉसेस अदर देन हीटिंग, डी स्टेबिलिटी। तो आपको उत्तर ए है जो कि कम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मोटर इज प्रिफर्ड इन हाईली एक्सप्लोसिव एटमोस्फियर, ए एयर मोटर, बी शंट मोटर, सी सीरीज मोटर, डी बैटरी ऑपरेटेड मोटर। तो आपको उत्तर एयर मोटर ए है जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज डिटरमाइंड बाय डैश ए फैराडेस लॉ, बी लेंस लॉ, सी कूलम्स लॉ, या फिर डी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको उत्तर कौन है डी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ शेप इज यूज फॉर कार्बन ब्रशेस इन डीसी मशीन, ए ट्रायंगुलर, बी स्क्वायर, सी सिलिंड्रिकल, डी सेमी सर्कुलर। तो आपको उत्तर बी है स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डीसी मशीन विद द नंबर ऑफ पोल्स बीइंग इक्वल टू 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ए इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 8 इंटू मैकेनिकल डिग्री, बी इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, सी इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू मैकेनिकल डिग्री, या फिर डी इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 4 इंटू मैकेनिकल डिग्री। तो आप उत्तर है जो बी जोटा कि इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए लोड बी शिफ्टेड फ्रॉम वन डीसी शंट जनरेटर टू अनदर रनिंग इन पैरेलल, ए एडजस्ट देयर फील्ड रियोस्टेट, या फिर बी इंसर्ट ए रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट, सी एडजस्ट द स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर, या फिर डी यूज एन इक्वलाइजर कनेक्शन। तो आपको उत्तर है जो ए जोटा कि एडजस्ट देयर फील्ड रियोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द ए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, सी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, या फिर डी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो आपको उत्तर सी है जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स एट लोड कंडीशन ऑफर्स पॉजिटिव पूरेस वोल्टेज रेगुलेशन, ए क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड, बी सीरीज, सी डिफरेंशियल कंपाउंडेड, या फिर डी शंट। नेक्स्ट आपको उत्तर कौन हो सी जो डिफरेंशियल कंपाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन होती, द योक इन ए लार्ज डीसी मशीन इज मेड ऑफ ए ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, या फिर बी कास्ट आयरन, सी कास्ट स्टील, या फिर डी माइल्ड स्टील। आपको उत्तर सी है जो कि कास्ट स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ब्रशेस इन ए डीसी जनरेटर इज, ए होल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग, बी प्रोवाइड ए लो रिलक्टेंस पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर सी कन्वर्ट एसी टू डीसी, या फिर डी कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। तो आपको उत्तर है जो डी जोटा कि कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन रिजल्ट्स इन डैश इफेक्ट, ए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, बी डी मैग्नेटाइजिंग, सी एक्सियल मैग्नेटाइजिंग, डी टू पोल मैग्नेटाइजिंग। तो आपको उत्तर ए है जोटा कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश टाइप ऑफ डीसी जनरेटर डज नॉट नीड इक्वलाइजर फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन, ए ओवर कंपाउंड, बी सीरीज कंपाउंड, सी फ्लैट कंपाउंड, या फिर डी अंडर कंपाउंड। तो आपको उत्तर डी है जोटा कि अंडर कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज एट द टर्मिनल्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर इज रनिंग एट ए रेटेड आरपीएम एंड नो लोड विल बी, ए मोर देन द वोल्टेज, बी फुल रेटेड वोल्टेज, सी ए वेरी स्मॉल वोल्टेज, या फिर डी जीरो। उत्तर सी है जोटा कि वेरी स्मॉल वोल्टेज। तो ये थिला आजिकार जो क्लास नंबर 4 जोटा कि 1000 क्लास कोर्स रो पार्ट नंबर 4। आपको आशा करूँ समस्त क्वेश्चन रो पैटर्न भल लगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूल। थैंक यू फॉर वाचिंग, पुणी एक वीडियो सहित जल्दी देखा हो, समस्त को बाय बाय।